कन्यादान योजना 26 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, राज्य मंत्री ने उपहार भेंट कर दिया आशीर्वाद। शिवपुरी जिले के पोहरी जनपद पंचायत की ओर से मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत भटनावर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 26 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, राठखेड़ा जनपद अध्यक्ष पोहरी रामकली आदिवासी, जनपद उपाध्यक्ष मुन्ना लाल रावत, मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमगनी, पूर्व सरपंच पप्पू सिठेले, भटनावर जनपद संजय अवस्थी सहित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने नव दंपतियों को उपहार भेंट कर आशीर्वाद से सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा फिर से शुरू की गई कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता की बेटियों की शादी धूमधाम से की गई। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा बेटियों के जन्म से लेकर विवाह तक के लिए चलाई जा रही योजनाओं के कारण आज मध्य प्रदेश में बेटी बोझ नहीं है बल्कि वास्तव में लक्ष्मी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने 5000 बेटियों की मुख्यमंत्री कन्या योजना में विवाह कराने का लक्ष्य रखा है। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उन्होंने आज जो सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया उसमें आज पूरी विधानसभा के 26 जूटों ने यहाँ पे रहना और शादी के बंधन बने और इसी तरह पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हर जगह हम शादियों का सम्मेलन कर रहे हैं। उससे हमारे लोगों को एक एक व्यक्ति के पास जाके हम सूचना करते हैं, उनको जागरूक करते हैं तो ये हुए भी है, उसका लाभ भी हम लोगों को मिल रहा है, हमारे लोगों को मिल रहा है। इसके लिए पूरे विधानसभा की जनता मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार भी मैं मानते हैं। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी उम्र हमारे प्रदेश के लिए इसको प्रिय मुख्यमंत्री दी है जिससे हमारी बेटी बहनों की शादी हो रही है। सभी जोड़े बहुत सब प्रसन्न है, उनके माता पिताओं से मैंने बात की तो बहुत खुश हैं और बात ही एक निराला लगा है, आगे अलग हटके लगा इतना हम कभी कोई शादी नहीं जा पाते हैं। 4 लोग हमारे रात में आए और धूमधाम से हमने बेटी और बहन की शादी की है। मैं तो यही चाहता हूँ इसी तरह हमारे सम्मेलनों में लोग आते रहें, सरकार की योजना का लाभ लेते रहें, यही हमारा प्रचार प्रसार है। हम जगह एक बार और हम सम्मेलन कराएंगे, 1 तारीख और हम लेंगे, जो भी जोटा रह गए होंगे उनकी शादियाँ भी हम सम्मेलन में कराएंगे।